प्रीतम। प्यारे आप तो मुझे जानती होंगी। क्यों, तू क्या मेरा भाई है जो तुझे पहले से जानती होंगी? तौबा करो जल्दी से, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, बख्शीश ना इस चीज की। चुप रे चुप। एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक योर हैंड? ओ आपको तो बहुत जल्द पी नाम के लड़के से प्यार होने वाला है। पी पी मैं प्रीतम। अरे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं होगी आपको? खामोखा, तू ज्योतिष कब से बन गया? आती है मुझसे ये सब चीजें, और इतना हुनरदार हो गया मैं इन सब चीजों में। अगर ये मुझे अपने होठों का किस दे देना, आगे तक का भविष्य बता दूंगा इनका। और जैसे तो मैं तुझे जानता ही ना हूँ, साले भविष्य बता देगा या अपना बना लेगा? ए, मेरे होठों का किस कर, मेरा भविष्य बता। लड़कों का भी सीखा ना हूँ मैं पूरा, लड़की। हेलो दोस्तों, कैसे आप सर? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बट मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है और इसलिए हमारा वीडियो नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बट जो मुझे वीडियो अच्छा लगता है मैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, प्लीज आप लोग देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय। चल तू इतने बैक होल में, जरा वॉशरूम होके आ रहा हूँ। जरा कम चलाक बन ले, भाभी के चक्कर में जा रही होगा। ना ना पागल है क्या, वॉशरूम में जा रहा हूँ। और यहाँ है सब कुछ खुल्लम खुल्ला। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं कह रहा था अगर ऐतराज ना हो तो क्या भाभी बुला सकता हूँ तुम्हें? बिल्कुल बुला सकते हो। अच्छा भाभी एक बात और जाननी थी कि अगर किसी लड़की को हम किस कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? अरे ऐसे कैसे किसी लड़की को किस कर दोगे आप, वो थप्पड़ मारेगी आपको, ऐसे किस नहीं कर सकते हो आप किसी को भी। हाँ ये भी है, और जैसे भाभी किसी को धोखे से किस कर दें, जानबूझ के नहीं कर रहे हम, धोखे से हो गया तब? देखो धोखे से हो जाए, धोखा तो धोखा होता है, तो लड़के को सॉरी बोल देनी चाहिए और धोखे से मेरी नजर में तो माफ कर देना चाहिए लड़की को। ए भाई साहब बंदूक नीचे करो पहले, और अपनी बीवी से बात करो। जबरदस्ती किस कर रहा है ये मुझे? हाँ भाभी ये रोना मत रचो मेरे सामने, इन्होंने कही मुझसे अगर धोखे से किस हो जाएगा तो लड़की माफ कर देती है। मुझसे भी धोखे से हुआ, मैं जानबूझ के क्यों करूंगा किसी की बीवी को किस? हाँ ए तू अंदर चल, धोखे से हुआ? और भाई साहब यार। हाँ तो तुझे आज मैं बता दूँ धोखे से क्या क्या हो सकता भाई साहब। अरे पानी, बड़ा टाइम लगा दिया वॉशरूम में, और ये चीखा कौन था इतनी तेज? नहीं तो चीखने की आवाज कहाँ से, वैसे बच्चे कच्चे होंगे। वैसे यार प्रीतम भाभी है बहुत अच्छी, और तूने उनके दूध देखे कितने प्यारे। ए यार बड़ा पागल आदमी है, उनके घर में रह रिया और उन्हें इतनी गंदी निगाह से देख रिया, शर्म आनी चाहिए तुझे यार, कितनी गलत बात है, मेरी उनके सामने निगाह तक नहीं उठ रही, इज्जत कर रहा हूँ उनकी। अबे तो पागल गंदी नजर से देख क्यों रिया है, मेरी तरह साफ नजरों से देख। अरे ऐसे तो मैंने भी देखी है। अरे यार ये साले को नींद क्यों ना आ रही। तेरी कसम मुझे भी बड़ी तेज की नींद आई है बिल्कुल अभी। तो सोता क्यों नहीं है यार? फलान बताऊं? अरे भाभी एक मिनट बाहर को आ जाइए जरा। हाँ बता क्या है। हाँ अच्छी, ये क्या है बे? ये तेरी अम्मा का नजर का चश्मा लगा हुआ है। अबे
तू तेरी बहू की ब्रा तू इसे ना पहचान लिया और भाभी तुम कहीं भी छोड़ दोगी इसे, सड़क पे पड़ी मिली है, बंदर उंदर ले जाता और चार जगह यूं घुमाता इसे, सब देखते भाभी की, भाभी की कितनी बात खराब होती। चलो इधर आओ पहना देता हूँ मैं। अब तुझे क्या काम है बे? भाई साहब 2 मिनट का काम है, भाभी को भेज दो जरा। अच्छा बिरा लाया होगा, सड़क पे पड़ा हुई मिली, बंदर लेके भाग रहा है, जान पे खेल के बचाई तूने, अब अपने हाथों से पहनाओगे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब, तुम्हें कैसे पता? आंख काली पड़ी है पूरी। तेरी भी तो पूरी आंख काली पड़ी है। कीड़ा बीड़ा चल गया होगा मेरे तो रात में। हाँ तो वही कीड़ा मेरे पे भी चल गया होगा। मुझे लग रहा है तेरी आंख पे किसी ने घूंसा मारा। मुझे भी यही लग रहा है तेरी आंख पे भी किसी ने घूंसा ही मारा। साले कम बोल ले वरना ऐसा टब्बा मारूंगा कला खा जाएगा। तो तू भी कम बोल ले बेटे ने, टब्बा मारना मुझसे भी आवे और तैयार हो जाए इंटरव्यू के लिए जाना। कहाँ चल दिए भाई नए कपड़े पहन के? टोक दिया साले 52 गज के होट ने। क्या कह रिया? इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए। अच्छा जरा जॉब में पास ही हो यही हो, वरना 2 महीने ऐसे निकल जा, अगर रेंट ना दिया ना घर से बाहर निकाल दूंगा। अबे यार कितने बड़े पागल आदमी हो, बधाई तो देना रहे, बेस्ट ऑफ लक तो बोलना रहे और घर से निकालने की बात कर रहा हो। ये जवान मत चला रहा, मेरे सामने निकाल ही दूंगा मैं। अरे चला यार इसके मुँह कहाँ लग रहा है। 1 मिनट लगेगा, अभी मोजे की क्वालिटी बता दूंगा ना सारे पैसे खा जाऊंगा साले के। अरे यार लेट हो जाएंगे जॉब के लिए। नेक्स्ट। ऐसा है अगर आपका नंबर आया ना तो मैं दे दूंगा इंटरव्यू, ठीक है? तू क्यों चला जाएगा भाई, नंबर मेरा तो मैं ही तो जाऊंगा। अबे तेरी जॉब लग गई मेरी लग गई, बात तो एक ही है, मैं दे दूंगा इंटरव्यू आपके। अलग को हर्ट, जॉब किसी की ना होती है, मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो समझ लिया तेरी जॉब लग गई। देखिए नाटक मत करे तू, बता रही हूँ तुझसे मैं पहली, मैं दूंगा इंटरव्यू, मुझे जॉब की ज्यादा जरूरत है। तुझसे ज्यादा जरूरत जॉब की मुझे है, पहले इंटरव्यू मैं दूंगा। बेटे बहुत ही भूस भर हुआ यही तेरा, अभी मैं जॉब तो मैं ही लूंगा ये वाली, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, समझा कर यार। देख भाई सुन, तुझसे ज्यादा पैसे की जरूरत मुझे है, इंटरव्यू पहले दूंगा मैं। अबे भैया किराया बिराया कमरे का मैं ही तो दूंगा यार, मेरी तो गंदे जॉब। और मेरी जॉब लगने दे तू, मैं दूंगा महीने का किराया उसका। तू मानेगा ना ऐसे? तू भी ना मानेगा ऐसे? ओ भाई एक्सक्यूज मी, जो तुमसे पहले आया था ना उसका सिलेक्शन हो चुका, तुम लोग जा सकते हो। क्यों लाया है भाई यहाँ पे? भूख तो लग रही होगी तुझे, मुझे भी लग रही है, खाना नहीं खाएगा? हाँ यार खाना तो खाऊंगा लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, कहीं तुम उससे बाद में लड़े। मैं दे दूंगा पैसे, मेरे पास होंगे। वेटर। यस सर। 2 आलू के पराठे, दही और अचार लेके आ जाओ। ओके सर। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगावे तो वो भी मंगा लिए। तो नहीं खाएगा? पेट भर गया। बिल मंगा लेता हूँ मैं। वेटर बिल ले आओ जरा, मैं वॉशरूम होके आया अभी। आर्या मेरा दोस्त, बिल वो देगा। मैं अभी आया, देख कर आता हूँ। बस भाग गया साला कुत्ता।
अरे यार वो तो भाग गया और मेरी जेब में पैसे है नहीं। मैं कहाँ रह गया था, कब से इंतजार कर रही हूँ बाबले तेरा। साले तेरे पास पैसे ही ना थे तो मुझसे मना कर देता, मैं वहाँ पे खाना ही ना खाता। अगर मैं उसका हाथ ना रोकता पता कितनी गलत जगह डंडा डाल लिया था वो मेरे। अरे वो यार पैसे तो थे पर एंड टाइम पे पता नहीं कहाँ चले गए जेब से पैसे। चल इतना तो ना मारा होगा जितना नखरे दिखा रही घर चला। मैं तो जरूर ना आऊंगा भाई। अबे मैं भी तो ना आऊंगा। वो कहाँ गुस्से चला रही है? तेरे बाप का स्विमिंग पूल है, अपने लिए बनवाया, अकेला ना तो इसमें मेरी बीवी नहीं घुस सकती। चल निकल यहाँ से। हाँ चल निकल यहाँ से, शकल तो देख ले पहले अपनी, स्विमिंग पूल में ना आगा बावला। चल यहाँ से। अब ओ तू कहाँ को आ रही है? चल तू भी जा यहाँ से और बाल्टी में पानी भर भैया के ना। मैं भी। हाँ तू भी। यार पूल में तो मुझे नहाना था। अबे मुझे भी तो नहाना था। एक काम करते हैं आपस में झगड़ा कर लेते हैं और पूल में कूद जाएंगे झगड़ा करते करते, बता कैसी रही? बहुत बढ़िया, चल शुरू कर। अबे तूने मुझे मारने की कोशिश कैसे करी? अबे तो तूने मुझे झबरा कही क्यों थी? साले कौवा भी कौवा क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर दूंगा तू? अबे तू धीरे 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 धीरे। अबे अबे साले लड़ते लड़ते झुमझुमे पहुंच गए हम। अबे यार चलो आप कूद गए तो कूद गए, नहा ही ले मैं अब। अजी सुनते हो, मुझे स्टेशन छोड़ाओ, मैं मैकी जा रही हूँ। आओ भाभी मैं छोड़ के आता हूँ। तू क्यों छोड़ के आगा भाई? जब मैं उधर को जा रहा हूँ तो मैं खुद छोड़ दूंगा भाभी तुम्हें। आओ। अरे जरूरी है क्या? तू उधर जा रहा है तो तू ही छोड़ेगा, हम छोड़ के आएंगे, हम रखेंगे ख्याल उनका। मैं मानता हूँ तू भाभी को अपनी बहन मानता है, लेकिन जरूरी थोड़ी यार बार भाई ख्याल रखेगा। मैं हूँ तो क्यों भाभी, मैं खुद छोड़ दूंगा। आओ। ए जरा कम बोल, और पहली बात तो तुझसे बाइक चलानी आती ना जो तू छोड़ेगा। ओहो कौन कह रही है तुझसे मैं बाइक नहीं चला सकता? दाएं दाएं भगाई फिरूं एक पहिए पे, और तुझसे ना आती बोलकर बाइक चलानी। कौन कह रही है? अबे चलानी। अजी मेरा लंडा अबे, तुम भाभी मेरे साथ आओ। सालो कुत्तो जब से आए हो ना मेरी बीबी के पीछे पड़ा हुए हो। नहीं भाई साहब ऐसी तो कोई बात ना यार, और भाभी आपको ऐसा लगा कि हम आपको गलत निगाह से देख रहे हैं? तू तो चुप रह कुत्ते। और तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं मैके जा रही हूँ, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। हाँ तो मुझसे कहना मैं छोड़ आऊंगा। अरे तुमसे ही तो कह रही थी, ये बछड़ी के पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए। अरे नहीं भाभी हम कुछ कह थोड़ी रहे थे, आप भाई साहब इनको लेकर जाओ मैके, हम तो वैसे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना। चला छोड़ आऊं तुझे। देख भाई मेरी सुन पहले, अगर हम आपस में लड़ते ही रहेंगे ना तेरी नौकरी लगेगी ना लगेगी मेरी। आज तू दे क्या इंटरव्यू, मेरी बाद में देखी जाएगी। सही है? ये सही है। देख इंटरव्यू देना कोई आसान बात ना, बच्चों का खेलना, दे दे इंटरव्यू तभी जाइए, वरना काम खराब मत करिए। अरे भैया तू बेफिक्र रहे, बिल्कुल दे दूंगा इंटरव्यू यार। और सुन इंटरव्यू लेने वाले जितने भी होते हैं ना ये सब पागल ही होते हैं, इन्हें भी ना पता कौन सा सवाल पूछ लिया। तुझे सारे जवाब इतनी जल्दी देने कि सवाल खत्म ना हो, जवाब पहले दे देना। जैसे कुछ भी पूछ रहे हैं ये बावले हो, जैसे टेबल है कितनी रखी है, जैसे तू जीना चढ़ के गया कितनी सीढ़ी है, तू तुरंत जवाब दे 18 सीढ़ी है। उन्हें लगेगा बोले लोंडा कॉन्फिडेंस वाला, नौकरी पक्की जभी होगी। पक्का शोर है? हाँ पक्का शोर हूँ, आज तेरे भाई की नौकरी पक्की, जवाब खटाखट दूंगा। जा और सुन, तू तो चाहे गलत जवाब दिए लेकिन दिए तेजी तेजी से, जा खटाक से जवाब। तुझे सारे जवाब इतनी जल्दी देने के सवाल खत्म ना हो, जवाब पहले दे देना। क्या नाम है आपका? 18 सीढ़ी चढ़ के आया हूँ सर। नाम पूछा? नाम ओ सॉरी सर मेरा नाम है प्यारे। किधर रहते हो सर? लखनऊ। ओ सॉरी सर यहीं पड़ोस में रहता हूँ आपके। अच्छा ये बताओ ये जॉब क्यों करना चाहते हो? जी सर कुतुब मीनार दिल्ली में ही है। ओ सॉरी सर पहली बार है ना मेरा, तो थोड़ा मुझे डर सा लग रहा है आपसे। सर पैसों के लिए करना चाहता हूँ। चलो ये बताओ आप इस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हो? सर कंपनी अपनी माँ क्या करना उससे? ओ सर लास्ट बार माफ कर दो, देखियो कंपनी के लिए तो सर हम अपना सब कुछ करने तैयार हैं। अबे भोसड़ी के तो चूतिया है कौन है? तुझसे मैंने इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, अगर तू सोच समझकर इन क्वेश्चनों का जवाब देता तो आसानी से जवाब दे देता, पर तेरी में क्या चूल है, हर सवाल के जवाब खटाखट दिया जा रहा अरे किसने सिखाए हैं जवाब तुझे देने खटाखट? सॉरी सर बस एक मौका और दे दो, मैं इस बार सोच समझ के जवाब दूंगा सर। अबे भैया जा यहां से, पूरे मुंड की मां बहन एक कर दे,
पता ना कहाँ से सीख आया खटाखट जवाब देने। अबे जा यहाँ से। तुझसे किसने कही भाई खटाखट जवाब देने को? मुझे पता है। चल जा रहा। अब बता तो दे क्या हुआ नौकरी का? रूम तो मिल जाएगा तुम दोनों को, लेकिन काम क्या करते हो? शहर से हम कपड़े लाते हैं और गांव-गांव जाके बेचते हैं। ओ अच्छा, कपड़े की फेरी करते हो। वैसे तुम लोग होते बहुत सुअर हो। ओरिजिनल कपड़ा दिखा के लोकल कपड़ा भिड़ा जाओ। हंस के सरिया मत। 2 महीने का एडवांस देना पड़ेगा पहले, फिर रूम मिलेगा। हम क्या नए नौकर रख लिए क्या हमारे लिए भाई साहब? साले घुरिया रिया, दू मुंह में लोला भी दू। अबे ओ थोड़ा कम बोल, ये भी किराएदार हैं तुम्हारी तरह। तुम्हारे जो सामने वाला रूम खाली पड़ा था ना, वो इन्हें दे दिया। ओ अच्छा, ये भी किराएदार हैं। चल फिर चल, दे दो रूम। अब आएगा यहाँ पे रहने का मजा। क्यों? क्योंकि इनको बनाएंगे हम अपना जूनियर और हम बनेंगे इनके सीनियर। कैसी रही? बहुत बढ़िया। मालिक अब तक हमसे टॉयलेट साफ करवाता था, झाड़ू लगवाता था, अब हम इनसे लगवाएंगे। कैसी रही? बहुत बढ़िया। अब हम इन पे पूरा दबाव बनाएंगे अपना और अपना गुलाम बनाएंगे। कैसी रही? बहुत बढ़िया। प्रीतम भाई, मैं कह रही हूँ जब गुंडे बनी रहे हैं तो क्यों ना लुक भी चेंज कर लें। ओके। खेले जा रहे हैं। इस घर में रहने से पहले हम दोनों के बारे में तो जान लेते, और इसको छोड़ो मेरे बारे में तो जान लेते कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूं। बता जरा इनको। बहुत बड़े गुंडे हैं। यहां पे अगर जिंदा रहना है तो हमारी गुलामी करनी होगी। अगर तुमने कुछ भी नानुकर की तो कब तुम्हें यहां से गायब करवा दूंगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब से पहले बहुत बड़ा गुंडा रह चुका हूं। टॉयलेट साफ, झाड़ू पोछा, खाना पीना, हमारे पैर दबाने, सर वर दबाने, हमारे सब तुम्हें करना होगा, समझे? ठीक है सर, जैसा आप बोले वैसे ही होगा। करना भी पड़ेगा वैसे ही जैसा हम कहेंगे, वरना वो मार दूंगा तुम्हारी, देखी ना जाएगी तुमसे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जब हम बता रहे हैं आपसे टेंशन मत लो, जैसे आप कहोगे वैसे ही मानी जाएगी आपकी बात। देखो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत पड़े जैसे पानी वानी की या कुछ भी, तो मैं सामने वाले कमरे में हूँ, तुरंत आवाज़ दे लियो। और टांगों वांगों में दर्द होगा तू दबागा टांगे भाई सबकी। हाँ इस बात से बेफिक्र रहा हूँ। हाँ और मैं कह रहा हूँ, जहाँ दिल करे उधर, दिल करे उधर सोइयो, इधर दिल करे इधर सोइयो, अपने ही है, कोई ऐसी बात ना। टॉयलेट वगैरह हम खुद साफ कर लेंगे, अच्छा करने लगे अब तो यार। और कुछ खाओगे? हाँ मेरे लिए केले ले आओ। तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। खा लो, भूख तो लग रही होगी। अरे कुछ नहीं। और हाँ तू क्या कह रहा था उस टाइम पे, लोले पोले क्या था वो? लोला लोला गोला गोला जो होता है ना, दूधिया गोला बिकने का वो। मैं कह रहा हूँ कुछ खा लो, भूख तो लग रही होगी, छोड़ो इस बात को। तो कुछ ना खा रिया, चल जाए ऐसे। केले ला दूं? हाँ केले लेके आ जा। पैसे को ले लो। ये बहुत दिनों से चली भी तो ना है। पैसे तो हैंगे ना दराज में रखे, ला रहा हूँ। अबे भैया ये तो बदमाश हैं, सूरत से मजदूर लग रहे हैं साले बदमाश। इतनी लंबी राइफल, हम इन्हें गुलाम बनाने गए थे, इन्होंने हमें गुलाम बना लिया और उल्टा। अबे हाँ यार, अब तक अपना काम करते थे, अब इनका भी काम करना पड़ेगा। ये साला हमारा मकान मालिक बाबले ही है एक नंबर का, बिना जान पहचान के ही रख लिया, ना किसी से कुछ पूछा। अब एक काम करते हैं, मकान मालिक के पास चल रहे हैं, उससे बताएंगे सब कुछ सच सच के। इन पे हैं बंदूकें, तुरंत कमरा खाली कराओ, वरना खुद भी फंसोगे हमें भी फंसवाओगे। आओ। बस ट्रिप लैंड।
हेलो यहाँ को निकल के बाहर को जी। अबे बेटे मकान मालिक को हमारे बारे में कुछ बताने जा रही है क्या? नहीं तो मैं तो लैट्रिन करने आ रही हूं। साले अभी तेरी इतनी उम्र ना, जितने मैं मर्डर कर चुका हूँ, अगर मैंने सुन लिया ना कि मकान मालिक को तूने कुछ बताया तो पहली गोली तुझ में मारूंगा, बाद में मारूंगा मकान मालिक में, समझ गया? हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें कोई मतलब ना भाई साहब, सो भैया। अबे आप क्या कर रहे हैं, इन्हें तो पता चल गया हम इनकी शिकायत करने जा रहे हैं, गेट पे ही खड़े हैं, बाहर भी नहीं जा सकते। यार इस हिसाब से तो भाभी हमारे हाथों से छिन जाएंगी। तू एक काम कर, तू इनके रूम में जा, इनकी बंदूक चुरा के इन दोनों की गोली मार दे सालों के। मैं? हाँ तू, मुझे तुझ पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अबे चल बे, इस कॉन्फिडेंस को अपनी में घुस ले बत्ती बना के, साले मैं मार दूंगा इन्हें। बट तू कर ले चल, मुझे तुझ पे कॉन्फिडेंस है। तो रात होने का इंतजार करो, मकान मालिक से वहीं चल के बात करेंगे जब ये सो जाएंगे तो। हाँ ये ठीक है सर। अबे किसे दे दिया कमरा किराए पे तुमने? कुछ अता पता कराया? ऐसी कमरा दे दिया पैसों के लालच में? ये लंबी राइफल निकल रही है उसके कमरे में, खुद देख के आ रही हूँ। क्या कह दिया है? भोसड़ी का शराब के नशे में 52 गज की होट हुट ले, ये लंबी राइफल निकल रही है उसके कमरे में, 25 मर्डर कर दिए उनने। भाई साहब देखो, मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी शिकायत ना करी है, मेरे साथ वाला जो लड़का ना उसने ही शिकायत करी है तुम्हारी सारी। मैं तो उसे रोक रहा था कि मत कह बे, हमारा क्या फायदा, हम क्या करेंगे किसी के खिलाफ जा करके। मेरी कोई गलती ना है, तुम जाके उसे गोली मार दो चाहे साले को, मैं छोड़ दो, मेरी कोई गलती ना भाई साहब, ईमानदारी से। तू कैसी लगी मेरी एक्टिंग? साले तू तो बहुत बड़ा सुअर है, तू तो हमें कहीं भी फंसवा देता। अरे पागल है क्या तू? यार दोस्त है मेरा, तुझे कैसे फंसवा दूंगा? तू दोस्त है ना, तू है बहन का। और सुन, वो लोग इस टाइम शराब पी रहे हैं, हम दोनों उन दोनों के कमरे में चलते हैं और उनकी बंदूकें चुरा लेते हैं, और कल सुबह उन पर हम हमला बोल देंगे। बोल कैसी रही? बहुत बढ़िया। अबे उठो बे कुत्तों, तुमने तो सालों हमें बच्चा ही समझ लिया है। अबे मैं वही हूँ जो उस दिन बताया था कि कितना बड़ा बदमाश हूँ, बता जरा इन्हें। भूल गए क्या, बहुत बड़े बदमाश हैं हम। क्या तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा? केले मंगवा रहे हैं मुझसे साले, अब बोल जरा कुछ। मैंने भी तुझे पहले ही बताया था, जितनी तेरी उम्र है ना उतने तो मैं मर्डर कर चुका हूँ, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बॉम्ब। मैं कह रहा हूँ पानी वानी की जरूरत पड़े, पानी वगैरह या कुछ खाने पीने की, मैं सामने वाले कमरे में हूँ, फौरन मुझे आवाज दियो। जब जब ये वाले कपड़े पहने हैं ना तब तब अपनी फटी है, और साला समझ में ही नहीं आ रही है, कभी बंदूकें निकल रही है, बम निकल गए, अगली बार जाएंगे मिसाइलें निकल जाएंगी। यार सही कह रही है यार, हम ना कह रहे हैं कुछ भी मकान मालिक से, और ना कह रहे हैं इन गुंडों से कुछ भी, चुपचाप ये कमरा खाली करके कहीं और कमरा लेते हैं और अपनी जान बचाते हैं। सही कह रही है, चला कमरा ढूंढते हैं कहीं और। अबे ये इतने बड़े गुंडे हैं, 10,000 का इनाम है इनके ऊपर, तो चल जल्दी चल पुलिस को बताते हैं सारी बात। इंस्पेक्टर साहब इनका क्या मामला? ये जेल से भागे हुए कैदी हैं, इन पर 8-10 मर्डर केस भी हैं और कुछ लूटपाट के भी केस हैं, तभी तो गवर्नमेंट ने इन पर 10,000 का इनाम रखा है। इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब ये बहुत बड़े बदमाश हैं। ये बहुत बड़े बदमाश हैं, इनकी छानबीन चल रही है, ये बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होंगे। लेकिन तुम दोनों क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम इन्हें जानते हैं ये कहाँ पर है। बताओ मुझे फटाफट कहाँ है ये? पहले ये बताओ इनाम पूरा मिलेगा हमें? अबे इनाम को रख अपनी गाड़ी में, मुझे इन दोनों से मतलब बहुत टाइम से बचे फिर रहे हैं। बता कहाँ हैं ये लोग? हम जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं ना वहीं पे ये भी किराए पे रह रहे हैं, अभी अभी आए हैं, और देखो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बम भी है इनके पास, अपनी आंखों से देखे मैंने, हम दोनों नहीं फंसने चाहिए पहले बता रही हूँ। तुम दोनों का नाम नहीं आएगा लेकिन लेके चलो। रुक जाओ, लेके पे के कुछ मत चला, अभी मैं जा रही हूँ घर को,
मैं वहां से फोन करूंगा तुम्हें, तुम आइयो पूरी फोर्स को लेके और गिरफ्तार कर लियो, मेरा नाम भी नहीं आएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है मैं आता हूँ, कॉल करना मुझे। सर फोन नंबर आपका? 90162, बस यही लगा दियो, लग जाएगी कॉल। अब नहीं बचोगे तुम दोनों मेरे हाथों से। दोनों अंदर गए, कॉल कर इंस्पेक्टर साहब को। चल बे बैलेंस ना, तेरे नंबर पे बैलेंस करा पहले। अरे बस एक सेकंड की बात करा दो यार, इमरजेंसी बात है, बैलेंस करा लूंगा मैं। ले साले चूतिया मेरा फोन ले। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से घर को आ जाओ, दोनों घर के अंदर ही हैं। जाओ, घर के अंदर ही छुप के बैठे हैं दोनों कुत्ते, निकालो बाहर। तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस से बच जाओगे? पुलिस से तो तुम बच भी जाओगे लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। पूरे देश को घुमा सकते हो तुम लोग लेकिन मुझे नहीं। गलत कर रहा है तू, तू अभी हमें ठीक से जानता नहीं। गलत और सही का फैसला तो मैं तुम दोनों को थाने में ले जाके बताऊंगा। वैसे तुम लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ छिपे बैठे हैं? हमने बताया है बे। मतलब मैं दो दिन छुप के रहा, तूने तो हमें बिल्कुल अपना गुलाम ही समझ लिया है। तुझसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। और वो गुंडागर्दी आज भी चलती है। और सुन, जंगल कोई सा भी हो, शिकार सिर्फ शेर करते हैं। तुझसे पहले भी बताया था, जितनी तेरी उम्र नहीं है। तू चुप भोसड़ी के, अगर तू इन्हें पहले ही मार देता तो ये नौबत ना देखनी पड़ती। अब देख मैं क्या करता हूँ, ना हम रहेंगे ना ये सब रहेंगे ना ये रहेगा घर,